नमस्कार, मैं बहन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेहतमन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो लास्ट टाइम में आप इंग्लिश को कैसे पढ़ोगे? देखो, अगर आप सिलेबस देखोगे, ऑफिशियल जो सिलेबस है उसे देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। यहाँ पर मैं आपको सेलेक्टेड चीज़ें बताऊँगा कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, उनको अगर आप पढ़ लेते हो और वही टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप 100% बहुत अच्छा करके आओगे। देखो, आपको ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अच्छे मार्क्स लाने एग्ज़ाम में, वो आपके किस तरीके से आएंगे अगर आप अच्छी अप्रोच के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इस लास्ट टाइम में, ठीक है। स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस सब के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो 2-4 मिनट निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज जो आपकी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बता दूंगा आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको वो पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। यस या नो में आप आंसर अपना दे सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं पॉजिटिव, तो हम आपके लिए पीडीएफ जो है वो तैयार करा देंगे, जो इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पढ़ना क्या क्या। देखिए, एमटीएस में सेलेक्टेड आपकी चीज़ें आएंगी, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो सिर्फ अगर उसका आप रिविज़न कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारा क्लियर हो जाएगा, कितना पढ़ना है, तो इन सब की जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो मिलेगी। और जो बचा टाइम है आपके पास, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत कम टाइम है, इसमें सेलेक्टेड ही पढ़ो, तभी आपका जो काम है वो चल पाएगा। और अगर आप अच्छे तरीके से दिमाग लगा के पढ़ लेते हो तो आप 100% बहुत अच्छा करके आओगे एग्ज़ाम में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये मैं 2023 के नोटिफिकेशन से ही आपको बता रहा हूँ। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे ये बोला है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इट्स वोकेबलरी यानी कि वोकेबलरी का और ग्रामर का, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम एंड इट्स करेक्ट यूजेज ईटीसी एंड टू द टेस्ट कम्प्रीहेंशन, सिंपल पैराग्राफ में बी गिवेन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, आप जिंदगी में नहीं समझ सकते हो कि क्या क्या पढ़ना है आपको। कैसे समझ में आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। तो आपसे ये उम्मीद करूँगा कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी करिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट करना है कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पॉजिटिवली अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊँगा जो इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनसे फंसेगा ज़रूर। तो आपको मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि आएगा क्या क्या, वो आपको किससे पता चलेगा, 2022 का जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर उठा के देख लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इंग्लिश का तो सिलेबस बहुत कुछ है, बहुत आप नहीं पढ़ सकते, सिलेक्टेड ही पढ़ना है, उससे आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास वो बुक्स नहीं होगी तो मैं उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बहुत कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एरर का क्वेश्चन है, उसके अलावा ये आपका यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, फिलअप्स यानी कि सही आपको यहाँ पे भरना है। तो ये भी एक एरर वाला ही पार्ट है, जब एरर आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये भी जो क्वेश्चन है, इसे भी यहाँ पे सही आपको जो मतलब सेंटेंस है वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका ग्रामर से रिलेटेड है। उसके अलावा यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आपको सही वर्ड जो है यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि सही जो वर्ड है वो आपको फिल करना है। उसके अलावा ये आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस, यानी कि इसकी जगह पे आपका क्या आएगा। तो ये एरर का ही पोर्शन है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द ब्रैकेट पार्ट आई सपोज आई वाज, ये भी एरर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एरर से नहीं, यहाँ पे ये पूछा है, ये पूरा एक सेंटेंस दे दिया, इसके बदले में एक वर्ड पूछ रहा है, यानी कि वन वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, वन वर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद ये बता दूंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। उसके अलावा ये भी आपका एरर से क्वेश्चन है, ये आपका सिनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा ये आपका दिया हुआ है एडियम्स, दिया हुआ है एडियम्स, एडियम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, एडियम एंड फ्रेजेस से। उसके अलावा ये भी आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो, कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। उसके अलावा ये अपोजिट
पूछा है यहाँ से। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये आपका वन वर्ड पूछा है आपसे, ठीक है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये आपसे सिनोनियम पूछा, यानी कि दो सिनोनियम पूछे, दो एंटोनियम पूछे और दो वन वर्ड पूछे। यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी करेक्ट जो सेंटेंस है वो पूछा है, तो ये ग्रामर का ही पोर्शन है। इसके अलावा यहाँ पर भी सही आपको जो ऑप्शन है वो फिल अप करना है, यानी कि ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो एरर यानी कि ग्रामर वाले पोर्शन से ही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसको भी आपको ये जो इडियम है इसको आपको बताना है, तो दो इडियम पूछे गए, दो सिनोनियम पूछे गए, दो एंटोनियम पूछे गए और दो आपके वन वर्ड पूछे गए, ठीक है। टोटल 25 आपके क्वेश्चन आते हैं, तो 8 क्वेश्चन आपके ये हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इस जो क्वेश्चन मतलब ये जो सेंटेंस है इसको सही आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका होगा, ठीक है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, एंटोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब ये देखो ये फिलअप वाली स्टोरी है, ठीक है। और जितना भी पेपर आप MTS 2022 के हुए उनको उठा के देख लो, उसमें फिलअप वाली स्टोरी पूछी गई है। आपका क्या क्या आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका कंप्रिहेंशन में क्या आएगा, कंप्रिहेंशन में आपके कॉम्प्रिहेंशन ना पूछ के फिलअप यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऐसी स्टोरी को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप पढ़ो इसको, जो भी दिया हुआ है उसको पढ़ो, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टोरी क्या कह रही है, और फिर रिलेट करके यहाँ पे आप ऑप्शन जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने का जो तरीका है वो आपको पता होगा, तो आपको करना क्या है वो आप समझ लो, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो पूछा गया उससे समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आपको पढ़ के क्या क्या जाना है, सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी, एक आपका ग्रामर का रूल पढ़ लेना आपको, और उसके अलावा वोकैब पे ध्यान देना। इसके अलावा तीसरा कोई आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। आप फिलअप्स वाली जो स्टोरी आ रही है इसका आप जो है एक स्टोरी डेली बनाओ, अभी से जितना टाइम है आपके पास एक स्टोरी डेली बनाओ। आप आराम से ये वाले जो क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप बना दोगे, ठीक है। अब सिर्फ इन दो चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। ग्रामर आपको कहाँ से पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ग्रामर से देखो कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एरर वाला जो क्वेश्चन है वो भी ग्रामर का ही पार्ट है, इंप्रूवमेंट जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हो वो भी ग्रामर का पार्ट है, फिलअप जो है वो भी ग्रामर का पार्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारा कुछ जो है वो ग्रामर से ही आपका पूछा जा रहा है। तो ग्रामर के जो सेलेक्टेड रूल्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर लो। अगर आपके पास वो बुक जो मैं आपको बताऊंगा वो नहीं है तो मैं पार्टिकुलर आपको पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे जो नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड आपको करा दूंगा अगर आप कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा वोकैब पे आपको ध्यान देना, वोकैब में सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस। आप खुद देख पा रहे होंगे कि 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं, दो दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। क्या तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको सिर्फ आपको रिवाइज करना है, जो पार्ट ऑफ स्पीच के सेलेक्टेड जो रूल्स हैं उनको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है। उसके अलावा वोकैब जो है उसमें ये चीज़ों को जो है सेलेक्टेड चीज़ें आप पढ़ लो। अब इसमें क्या क्या पढ़ोगे, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेलेक्टेड है तो इसकी जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कहेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस सेलेक्टेड हैं, इनकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कहेंगे। सिनोनियम एंटोनियम कैसे तैयार कर सकते हैं, देखो MB पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, उसमें या किसी भी पब्लिकेशन की आपके पास बुक होगी तो उसमें जैसे पूरा पेपर दिया होता है, प्रीवियस पेपर जो है वो आपके पास होंगे तो उसमें प्रीवियस पेपर में जितने भी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हैं उनको जितने भी सेट हैं उनके सिनोनियम एंटोनियम का एक बार आप रिवीजन कर डालो। अगर आप इतना कर लेते हो तब भी आपका फंस जाएगा, सिर्फ इतना कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। जो भी आपके प्रीवियस जो पेपर हैं आपके, जब आपके पास जो भी अवेलेबल हो उनमें जो सिनोनियम और एंटोनियम जितने भी पूछे गए, जैसे हर एक सेट में 5-5 होंगे पुराने वाले में, ठीक है, तो उनको बस रिवाइज कर लो, आपका काम चल जाएगा। सिर्फ दो किताबें आपको पढ़नी है, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर और दूसरा MB पब्लिकेशन। यहाँ पे मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इन किताबों के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया। यहाँ पे मिरर ऑफ कॉमन एरर में जो आपके जो भी ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें सेलेक्टेड रूल दिए हैं प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच के, जैसे नाउन है तो नाउन में जहाँ से क्वेश्चन आपका आता है वही रूल दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इनके नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उनको रिवाइज कर लीजिए, आप जो एरर वाले क्वेश्चन हैं, जो इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन जो आपके ग्रामर से आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ग्रामर का कितना वेटेज है, तो वो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा MB पब्लिकेशन से आपको वन वर्ड जितने भी दिए हुए हैं उसमें वो आपको प्रिपेयर कर लेने। उसके अलावा जो आपके
idioms and phrases जितने दिए हैं उनको आप revise कर लो, और जो आपके set में जितने भी set दिए हैं उनके synonym antonym हर set के जो हैं वो आप बना लो। इतना अगर आप काम कर लेते हो और इतना ही कर पाओगे जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश में आप बहुत बेहतर करके आओगे, बहुत बेहतर करके आओगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ क्लेरिफिकेशन आपको मिल पाया होगा कि आपको क्या पढ़ के जाना है, सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम एंड फ्रेजेस, उसके अलावा ग्रामर के जो आपके रूल्स हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच के, उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से पढ़ने हैं, सिनोनियम एंटोनियम कहाँ से तैयार करने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कहाँ से पढ़नी है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही आपका सिलेबस है और इसके अलावा आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो स्मार्टली जितना मैंने आपको बता दिया इतना आप कर लो तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा idiom एंड फ्रेजेस जो आपके इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसके नोट्स जो हैं PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर आपके आएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा अगर आपके पास ये मिरर ऑफ कॉमन एरर नहीं है तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन प्रोनाउन जितने भी हैं आपके, उनके भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपके कमेंट ज़्यादातर आते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगली वाली जो क्लास है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि GS आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपके बीच में रखूँगा। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा मैथ्स के जो ओवरऑल आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, उसकी जितनी भी शिफ्ट हैं उन सभी के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। उससे क्या है कि अगर आप उतना देख लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। तो बहुत कुछ MTS 2023 वाले बच्चों के लिए हम करने वाले हैं, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।